आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एम्बिशन एकेडमी के परिवार में। मैं शुभम शर्मा लेकर पेश हूं आपके सामने एक और नया वीडियो, और आज का वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आंसर की रिलीज की गई थी, जिसके लास्ट डेट ऑब्जेक्शन की 7 नवंबर की रखी गई थी। तो आपने सभी ने अपनी आंसर की को देख लिया होगा, और इस बार का एक नया चेंज ये था कि इस बार उस एग्जाम में 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि अगर कहा जाए तो 50% की नेगेटिव मार्किंग थी। तो जो भी बच्चा 86 या 90 या 94 आपके अटेम्प्ट करके आ रहा था, उसके जो मार्क्स हैं वो 60 से 70 की रेंज में ही आ गए हैं। क्यों ऐसा इसलिए हुआ? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/2 की थी, जो अपने आप में बहुत मेजर नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर गलती का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, और ये टायर 1 की कट ऑफ रहेगी, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ रहेगी। इसलिए प्लीज चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यही कट ऑफ रहने वाली है, आप बाद में भी मिला सकते हैं जब इसका रिजल्ट आएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें टोटल फॉर्म कितने फिल्ड किए गए, तो 22,28,593 टोटल फॉर्मों को फिल किया गया, जिसमें से अगर बात करें तो कितने कैंडिडेट ने इस एग्जाम को दिया, तो 8,76,177 कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए बैठे। और अगर हम परसेंटेज में अटेंडेंस की बात करें तो 39% अप्रोक्स में ही अटेंडेंस रही है। टोटल 24 शिफ्टों में इसका एग्जाम किया गया है, और अगर वैकेंसी की बात करें तो 835 वैकेंसी इसमें टोटल थी, ठीक है। अगर हम बात करें तो कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया जाएगा टायर 1 के लिए, देखो टायर 1 के बाद जो आपके अभी स्टेजेस रहेंगी, इसमें फिजिकल रहेगा, टाइपिंग रहेगा, और टाइपिंग इसकी जो है वो बहुत ही हार्ड टाइपिंग भी मानी जाती है, क्योंकि इसका टाइपिंग का रूल बहुत अलग है, ठीक है। तो अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 835 टोटल वैकेंसी थी, और उसका 20 गुना टायर 1 को क्वालिफाइड किया जाएगा, तो यानी कि तकरीबन 16,700 बच्चे आपको क्वालिफाइड करने होंगे, ठीक है। तो जो बोर्ड होगा वो 16,700 बच्चों को क्वालिफाइड करेगा, इतने में से 8,76,177 में से 16,700 अप्रोक्स में बच्चे क्वालिफाइड करे जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, जिसमें आपका फिजिकल होगा, आपका टाइपिंग होगी। बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ये टायर 1 के लिए है केवल, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। और ये टायर 1 की जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ लगेगी ये वो कट ऑफ है। अगर आपके इस कट ऑफ से 2 से या 3 नंबर आपके नीचे भी है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो यही रहेगी जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर दे दी है। अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व की कट ऑफ 65 से लेकर 70 के बीच में ही रहने वाली है। ओबीसी की कट ऑफ 60 से 65 के बीच रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी कट ऑफ 58 से 63 के बीच में ही लाई करेगी, और एससी की बात करें तो 52 से 58, और एसटी की बात करें तो 47 से 52 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो +3 और -3 की एक्यूरेसी यहां पर रह सकती है, कट ऑफ या तो +3 में जा सकती है या -3 में जा सकती है, लेकिन रहेगी इसी के आसपास। तो अगर जनरल के 60+ नंबर है तो हाँ बिल्कुल आप टायर 1 के लिए तो क्वालिफाइड कर ही जाएंगे। फाइनल कट ऑफ जब ही बताई जाएगी, जब टायर 1 की कट ऑफ क्वालिफाइड करने के बाद जब फिजिकल और टाइपिंग के लिए जो फाइनल कट ऑफ आपकी निकलेगी, सेलेक्टेड कट ऑफ जो होगी वो तभी बताई जाएगी जब जितने ज़्यादा बच्चे 16,700 बच्चे जो सेलेक्ट यहाँ पर किए जाएंगे, उन बच्चों के डाटा के आधार पर ही फाइनल कट ऑफ को पता पाना आसान होगा, ठीक है। क्योंकि इतना डाटा किसी के पास अभी तक आया ही नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको फाइनल कट ऑफ बता दी जाए, ठीक है। आपने और भी चैनल पर कट ऑफ को देखा होगा, लेकिन जो आपके सामने कट ऑफ लिखी हुई है बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। रो स्कोर अगर आपका इसके 2 या 3 नंबर या 5 नंबर भी नीचे हैं तो बिल्कुल 24 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन तो जरूर होना है। कोई शिफ्ट आसान, कोई शिफ्ट हार्ड भी आई है, ठीक है। तो जिस शिफ्ट में हार्ड था उस शिफ्ट को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और जिस शिफ्ट को बहुत आसान थी जो शिफ्ट, उसमें फायदा बहुत कम होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए, कट ऑफ यही रहने वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।